नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसे जैसे हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हैं, हमारे जीवन में सुख समृद्धि भरती रहती है। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, घर परिवार में रिश्ते अच्छे हैं, आपको पैसे की कोई भी कमी नहीं है, आप सभी ऐशो आराम से भर चुके हैं, आपके जीवन में सुख संपत्ति की कमी नहीं है, आपका जीवन बहुत खुशहाल है और आप इन सभी से बहुत खुश है। पर जो व्यक्ति आपसे खुश नहीं होते हैं, वो होते हैं आपके पड़ोसी। आप चाहे घर में एक साइकिल लेकर आए या फिर एक गाड़ी लेकर आए, आपके जो पड़ोसी होते हैं वो हमेशा आपसे जलते रहते हैं और आपको बर्बाद करने की कोई ना कोई तकरीरें करते रहते हैं। कई बार वो इससे काले जादू का सहारा भी लेते हैं ताकि आपकी तरक्की को रोका जा सके। पर जिसके ऊपर गुरु मां सरोजदेवी जी का हाथ हो, वो व्यक्ति कभी भी तरक्की से दूर नहीं रह सकता। तरक्की खुद ब खुद उसके पैर चूमती है। गुरु मां सरोजदेवी जी के आशीर्वाद से आज भी कई लोग अपने जीवन में पूरी तरक्की हासिल कर रहे हैं और अपने पड़ोसियों को धूल चटा रहे हैं। जो लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं, आज वो लोग बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके हैं। आज का ये उपाय खासतौर पर गुरु मां सरोजदेवी जी उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जिनके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम चल रही है। उनके पड़ोसी जो लगातार उनसे झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर परेशान करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा तंग करके रखे हुए हैं, उन पड़ोसियों को बर्बाद करने का ये अचूक टोटका आपको करना होगा और एक बार करते ही आपके पड़ोसी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। इस उपाय को करते हुए एक बात का और ध्यान आपने ये जरूर रखना है कि बेगुनाह व्यक्ति के ऊपर आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका पड़ोसी आपके साथ प्यार से रहता है, आपके हर मुसीबत में साथ देता है, तो आप बिल्कुल भी ये उपाय ना करें, क्योंकि ऐसा करने पे इसके उल्टे परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। आपने ये उपाय सिर्फ उस व्यक्ति के ऊपर करना है जो वाकई में आपको परेशान करता है। आपने अपने पड़ोसी की एक फ़ोटो लेनी है, उस फोटो के पीछे उसका नाम लिखकर उसको फोल्ड करके अपने पैर के नीचे रख लेना है। पैर के नीचे रखने के बाद एक मंत्र का जाप आपने 71 बार करना है। 71 बार जाप करने के बाद इस फोटो को आपने जला देना है और इसकी राख को आपने अपने पड़ोसी के घर के आसपास बिखेर देना है, या फिर आप उसके घर के मेन गेट के दक्षिण दिशा की तरफ भी इसको बिखेर सकते हैं। ऐसा करते ही वो व्यक्ति आपके वश में आएगा और उसके जीवन में कुछ ऐसे बदलाव होंगे कि वो खुद ब खुद बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे वो आपकी तरक्की के ऊपर जलना शुरू करेगा, वैसे वैसे ही उसके घर में भी तरक्की आनी बंद हो जाएगी और वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। उसको ये समझ में आएगा कि किसी के जीवन में दखल अंदाजी करना और किसी की तरक्की को देख के जलना कतई भी अच्छा नहीं होता है। वो इस बात से सबक सीख पाएगा और अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। पर इस उपाय से उसके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आ जाएंगे। तो अगर आप भी अपने पड़ोसी को सबक सिखाना चाहते हैं, उसको ये बताना चाहते हैं कि किसी के साथ गलत करना बहुत ही बुरे अंजाम लेकर आता है, तो ये उपाय करने के लिए और इससे जुड़ी हुई सावधानियों के बारे में और इसके अंदर यूज होने वाले मंत्र के बारे में जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हुए नंबरों पर कॉल करके गुरु मां सरोजदेवी जी से संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।